हे गाइस, आपका स्वागत है वॉच रियाल के एक और वीडियो में। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, हमेशा की तरह आज भी मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्वल के अपडेट्स हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला अपडेट है ब्लेड के बारे में। तो गाइस, द कॉस्मिक सर्कस जो कि एक बहुत ही रिलायबल वेबसाइट है, वहां से ये रिपोर्ट आ रहा है कि ब्लेड की फिल्मिंग डिले हो गई है 2022 के फॉल तक। एंड जहां की ये अगले महीने यानी जुलाई को फिल्म होने वाला था, अब ये अक्टूबर को शुरू होगा। बट रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका रिलीज विंडो अभी तक 2023 ही है। सो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ, और ये है सोनी के स्पाइडरमैन स्पिन ऑफ मैडम वेब के बारे में। तो गाइस, डेडलाइन की तरफ से ये रिपोर्ट आ रहा है कि एमा रॉबर्ट्स ने मैडम वेब के कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। एंड हालांकि इनका रोल क्या होगा ये अभी तक अनोन है, बट आपके क्या थॉट्स है कि इनका रोल क्या हो सकता है ये मुझे जरूर बताएं। एंड गाइस, मूवी के बारे में तो पता नहीं, बट सोनी ने कास्ट में बहुत बढ़िया काम किया है। देन गाइस, अगला न्यूज है थंडरबोल्ट्स के बारे में। तो गाइस, थंडरबोल्ट्स प्रोजेक्ट रिसेंटली अनाउंस होने के बाद हमें थंडरबोल्ट्स टीम में कौन कौन होने वाले हैं ये भी पता चल गया था। लाइक जीमो, यूएस एजेंट, विंटर सोल्जर, येलेना बेलोवा, घोस्ट, अबोमिनेशन एंड टास्क मास्टर। एंड वी ऑल नो कि ब्लैक विडो में जो टास्क मास्टर हमें देखने मिला था वो बिल्कुल भी कॉमिक एक्यूरेट नहीं था। लाइक हाँ, कॉस्ट्यूम तो अमेजिंग था, बट कैरेक्टर वाइज वो बिल्कुल भी टास्क मास्टर नहीं लग रहा था। लाइक हमने एनिमेटेड शोज भी देखा है कि टास्क मास्टर एक बहुत ही कूल कैरेक्टर है। सो हम में से बहुत लोग ये सोच रहे थे कि शायद मार्वल थंडरबोल्ट्स के प्रोजेक्ट के लिए एक अलग ही टास्क मास्टर ला सकती है, बट डैनियल आरपीके ने रिसेंटली अपने पैट्रियन में ये बोल दिया है कि हमें थंडरबोल्ट्स में वही ओल्गा कुरिलेंको का ही टास्क मास्टर देखने मिलेगा। लाइक मुझे उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक वी ऑल नो कि शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, बट होपफुली इस बार राइटर्स उनके टास्क मास्टर को एक टास्क मास्टर की तरह ही लिखें, ना कि कोई टर्मिनेटर की तरह। देन गाइस, अब बढ़ते हैं लास्ट न्यूज की तरफ, और ये आ रहा है डायरेक्ट BSL यानी बिग स्क्रीन लीक से। तो गाइस, BSL ने रिसेंटली अपने ट्विटर के AMA में ये रिपोर्ट किया है कि अगले महीने के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हमें अपकमिंग मार्वल प्रोजेक्ट्स के कुछ फुटेजेस देखने मिल सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, हमें कोई नए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट भी देखने मिल सकता है। बट गाइस, मैं बोलूंगा कि हमें फैंटास्टिक फोर एंड एक्समैन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सितंबर को D23 एक्सपो आना बाकी है। एंड रिपोर्टेडली D23 मार्वल का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट होने वाला है। सो मार्वल शायद अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को D23 के लिए संभाल के रख रही है, बट स्टिल लेट्स सी कॉमिक कॉन में क्या देखने मिलता है। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, एंड आगे के भी सारे लेटेस्ट अपडेट्स, थ्योरीज एंड ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड प्लीज शो सम सपोर्ट, एंड मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।